अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बासित ज़िया यूनिक ब्लॉग्स और मेरा नाम है बासित ज़िया। और आज जो रात को एक छोटा सा वाक़या हुआ है उसके बारे में मैं छोटी सी डिस्कशन करूंगा यहाँ पे, लेकिन इसमें यह है कि इस चीज़ में कोई भी किसी का नुकसान नहीं हुआ, किसी भी बंदे का। तो चलते हैं इस तरफ, दिखाता हूँ मैं आपको पूरा। हज़ीन, ये गाड़ी है जो हमारे घर के बिल्कुल ही पास जली है रात को, और देखते ही देखते सेकंडों के अंदर इसको आग लगी है। ये हबीबुल्ला कॉलोनी की रोड है, ठीक है, ये साथ में आज़म स्वाती का घर है। अच्छा, जब जिस वक्त इस गाड़ी को आग लगी तो उस टाइम पर आज़म स्वाती के घर से भी कुछ लोगों ने निकल कर बाल्टियों से पानी मारने की कोशिश की थी, ठीक है। और जब बाल्टियों से पानी मारने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश उनकी नाकाम रही। लेकिन फिर भी ठीक है कि चिड़िया वो अबाबील की तरह था कि जी ठीक है, जितना वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता था। दूसरी बात ये कि मैं दाद देता हूँ फायर ब्रिगेड वालों को कि फायर ब्रिगेड वाले 5 मिनट के अंदर अंदर पहुँच आए थे। इसके अलावा यहाँ पर इस जगह पर ना सिर्फ फायर ब्रिगेड कैंटोनमेंट ने फौरी एक्शन लिया, बल्कि यहाँ पर आर्मी वालों की भी फायर ब्रिगेड कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर पहुंच आई थी, क्योंकि 5 मिनट में उनकी आई थी और अगला जो 1 मिनट था उसके अंदर अंदर आर्मी वालों की भी पहुंच आई थी, क्योंकि ये जो पीछे वाली जगह है यहाँ पर आर्मी वालों की भी फायर ब्रिगेड खड़ी हुई थी। और बस तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर इसका ये जो आग का सिलसिला था उसको बंद कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। अब हुआ ये था इस वक्त कि यहाँ पर जब आग लगी थी तो वो फैलते फैलते ये पीछे तक आ गई थी, ठीक है, और इसमें ये पेट्रोल की जो टैंकी थी ये फुल पड़ी हुई थी, ठीक है। और साथ ही में इसमें इसका जो टैंक है, गैस टैंक, वो भी मौजूद है अंदर, ठीक है। ख़तरा ये था सिर्फ इस बात का कि ये गैस टैंक जो है धमाके से फट ना जाए। तो उन्होंने फिर क्या किया था कि ये जो गैस की कवर होता है पेट्रोल का, इसको शॉर्ट सर्किट हुआ था, बच के लिए इसको उन्होंने तोड़ कर इसमें सारा पानी भरा था और पेट्रोल इन्होंने निकाल दिया था रात के टाइम पे। मैं उस वक्त यहीं पे मौजूद था, ठीक है, क्योंकि अगर वो ऊपर से जब इस तरफ से पानी मार रहे थे ना, तो पानी के प्रेशर की वजह से वो आग सारी की सारी पीछे की तरफ जा रही थी लेकिन बुझ नहीं रही थी, वो बार बार उसको आग लग रही थी। तो नाज़रीन, मैं फायर ब्रिगेड वालों को भी दाद देता हूँ और मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरी तरफ मैं जो है आर्मी वालों को भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बर वक्त जो है एक्शन लिया और आग फैलने से फिर बचा ली। ये आज़म स्वाती का घर है और आज़म स्वाती के घर के बाहर आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिश कर रही है।